गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सरल चैप्टर का मेकर कोशिका की विभाग संबंधी जो गणनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से एक हमको फार्मूला डेवलप करना है, जो घनत्व निकालने के लिए फार्मूला होता है जेडम बटे ए क्यू एन ए। इस फार्मूले को डेवलप करना है, तो इसको कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, हमको पता होता है यहां से जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से जो द्रव्यमान होगा किसका होगा, एकक कोष्ठिका का होगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है ना। तो यहां से घनत्व बराबर हम क्लियर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। एकक कोष्ठिका का आयतन में एकक कोष्ठिका का आयतन पता होता है कितना होता है, एक क्यूब होता है। तो यहां से हमको एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान पता चल जाए तो हम इसको आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। किसका, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, क्योंकि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है प्रभावी कणों की संख्या, कोष्ठिका में जो प्रभावी कण होंगे उनके कणों की संख्या। अब प्रभावी कण कैसे होंगे, सरल घनी होगा तो प्रभावी कण एक, काय केंद्रित होगा यानी बीसीसी होगा तो प्रभावी कण दो, और फलक केंद्रित होगा तो प्रभावी कणों की संख्या चार होती है। एक कोष्ठिका का आयतन जो द्रव्यमान हो जाएगा वो जाएगी प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। इसका जाएगा प्रभावी कणों की संख्या, एक कोष्ठिका का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का क्लियर। प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान, जो प्रभावी कणों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेड, जेड बराबर एक, जेड बराबर दो, जेड बराबर चार, इस प्रकार निकाल लेंगे, ठीक है। अब उनको पता है मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, उनके जो एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या है वही तो उसके मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगी, है ना। तो मोलर द्रव्यमान एक मोल कितना होता है, 6.022 गुणे 10^23 कण या कणों की संख्या, ये मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अब यही वैल्यू जो होती है वो बराबर किसके होती है, अवोगाद्रो संख्या के, यही वैल्यू तो होती है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, नहीं बराबर 6.022 गुणे 10^23, इतना क्लियर हो जाएगा, बोलो। तो जब यहां से इतना क्लियर हो जाएगा, अब हमें यहां से क्या निकाल लेना है, यानी कि जो एने कणों का द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर है, है ना। तो कैसे करेंगे, क्योंकि एन सफिक्स ए कणों का द्रव्यमान, क्योंकि एन सफिक्स ए कणों का द्रव्यमान होगा तो कितने बराबर होगा, मोलर द्रव्यमान के होगा, किसके होगा, मोलर द्रव्यमान के होगा, या फिर इसको कैपिटल बना रखेंगे ज्यादा, ठीक है। देखिए, जो एन ए आया है ये किसके बराबर है, 6.022 10^23 कणों की संख्या के, यही बराबर किसके है, मोलर द्रव्यमान के। मोलर द्रव्यमान को क्या मानेंगे, एम मानेंगे, मोलर द्रव्यमान क्या मानेंगे, एम। तो जो एन ए कणों का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, मोलर द्रव्यमान के, मोलर द्रव्यमान दिखा देंगे एम, क्लियर। इसलिए एक कण का द्रव्यमान निकालना, आपको एक कण का द्रव्यमान निकालना है, तो एक कण का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम बटे एन ए, क्लियर। क्या हो जाएगा, एक कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम बटे
यानी ये निकला एक कण का द्रव्यमान यहाँ से ही है, और प्रभावी कणों की संख्या कितनी है जेड, तो एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो यहां से एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, प्रभावी कणों की संख्या बराबर जेड इंटू एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान निकला है एम बटे एन ए, इतना हो गया जेड, तो हो गया प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक कण का जो द्रव्यमान निकला एम बटे एन ए, एम बटे एन ए कर लिया। अब निकलना क्या था, घनत्व निकलना था, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व एकक कोष्ठका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठका का द्रव्यमान आया जेड एम बटे एन ए, बटे क्या था एकक कोष्ठका का आयतन, एकक कोष्ठका का आयतन पता होता है ए क्यू होता है, तो ये फार्मूला निकलेगा घनत्व बराबर, घनत्व को दिखाते हैं रो से, घनत्व बराबर जेड एम बटे एन ए क्यूब या ए क्यूब एन ए, तो इसी को हम डेवलप कर लेंगे, तो इसके बाद घनत्व बराबर हो जाएगा जेड एम बटे ए क्यूब एन ए। इस फार्मूले से क्या होगा कि हमको सारे सवाल, मतलब जो इससे संबंधित होंगे वो सवाल लगाने होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, घनत्व पूछ दिया गया होगा, कोर की लंबाई ए, या फिर किस पदार्थ का ये प्रेक्षण है, आंकड़े हैं, उसका अणुभार निकालना होगा, या किस प्रकार की कोष्ठिका है तो जेड का मान निकालना होगा, एक दो चार, इस प्रकार में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। जिससे न्यूमेरिकल बोले जा रहे हैं समझ लीजिएगा उसको।